दोस्तों ये कहानी चालू होती है 20 अक्टूबर 1947 को, जब श्रीनगर पर कब्जा करने हेतु आक्रमणकारी पाकिस्तान ने अपने सैनिकों को कबालियों के रूप में भारत भेज दिया, जिन्होंने हमारे उत्तर में पुंज से लेकर दक्षिण पूर्व में कठुआ तक अनेक महत्वपूर्ण शहरों पर कब्जा करने की कोशिश करी। और दोस्तों इन्होंने पुंज, कोटली, मीरपुर, झांगर, नौशेरा, बीमर तथा राजौरी को घेर भी लिया था। लगातार भारतीय सैनिकों की सफलता से दुश्मन में बौखलाहट बढ़ गई थी और अपनी सेनाओं का मनोबल ऊंचा रखने के लिए वह लगातार दूर तक हमले करने लगा। उसने 6000 आक्रमणकारियों को भेजकर 24 दिसंबर 1947 को झांगर पर हमला कर दिया। तो उस समय यह स्पष्ट लगने लगा था कि दुश्मन का अगला टारगेट नौशेरा ही होगा, जो कि उसके लिए बहुत लाभदायक होगा। 1947 को भारत पाक युद्ध के दौरान इस ऑपरेशन में 50वीं पैरा ब्रिगेड, जिसमें एक राजपूत रेजिमेंट जुड़ी थी, जो नौशेरा में सुरक्षा के लिए तैनात थे। नौशेरा के उत्तर में कोट नामक पहाड़ी पर दुश्मन ने कब्जा कर लिया था, जिससे वह पूरे शहर में नजर रख रहा था। भारतीय सेना के लिए यह आवश्यक हो गया था कि जल्द से जल्द उस पहाड़ी पर दोबारा अपना कब्जा कर ले। 1 फरवरी 1948 को 50 पैरा ब्रिगेड ने जबरदस्त हमला कर 2 फरवरी को नौशेरा पर भारत का कब्जा पुनः स्थापित कर दिया और दुश्मन को काफी जान मान का नुकसान पहुंचाया था, जिससे वह काफी दुखी था। नौशेरा के उत्तर में ही स्थित टेंडर पहाड़ी एक ऐसा स्थान था जिसको अपने कब्जे में रखना भारत के लिए सामरिक रूप से महत्वपूर्ण था। उस चौकी पर स्थित रक्षा टुकड़ी का नेतृत्व एक राजपूत राइफल के नायक यदुनाथ सिंह व उनके नौसाथी के कांधे पर था। शत्रु के लगातार हमलों को असफल कर दिया गया था, लेकिन 6 फरवरी 1948 को प्रातः 6:40 पर पाकिस्तानी सेना ने टेंडर चौकी पर 15,000 आक्रमणकारियों को विभिन्न दिशाओं से भेजकर चौकी पर अनेक हथियार से, यानी कि मशीन गन, मोटारों से हमला करवा दिया। खराब मौसम व धुंध के कारण पाकिस्तानी सैनिकों की स्थिति बहुत मजबूत थी। वह झुंड के झुंड आते जा रहे थे, भयानक तरीकों से हमला कर रहे थे, जैसे भेड़िए। परिस्थितियां बहुत विकट रूप धारण कर चुकी थी। नायक यदुनाथ सिंह ने अपने नेतृत्व गुणों से श्रेष्ठ प्रदर्शन को दिखाते हुए अपने घायल सैनिकों को पुनर्गठित किया और हमलावरों का डटकर सामना किया। सभी साथी गंभीर रूप से घायल हो चुके थे। नायक सिंह का दायां हाथ भी बहुत बुरी तरीके से घायल हो चुका था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने घायल सिपाही से स्टेन गन ली और लगातार गोलियों की बौछार करने लगे। अचानक आमने सामने की लड़ाई को देख दुश्मन घबरा गया था। नायक सिंह ने अपने मजबूत इरादों व हिम्मत के साथ दुश्मनों के लगभग 250 सैनिकों के बढ़ते कदम को वहीं रोक दिया। अपने एक हाथ से गोलीबारी करते हुए दुश्मनों को वापस जाने पर मजबूर कर दिया। दुश्मन इतने भयभीत हो चुके थे कि उन्हें अपने मरे हुए और घायल साथियों को वहीं छोड़कर भागना सही समझा। इसी बीच अचानक से 2 गोलियां सनसनाती हुई आई और नायक यदुनाथ सिंह के सिर और छाती को बेध गई। वह वहीं रणभूमि में गिर गए और हमेशा के लिए गहरी नींद में सो गए। टेंडर को मजबूत करने के लिए 3री पैरामिलिट्री और राजपूत रेजिमेंट की एक कंपनी को भेज दिया गया था, पर तब तक उनके बचे सिर्फ 3 साथी अपने शहीद नायक का बदला दुश्मनों से ले रहे थे। और फिर क्या हुआ, कंपनी वहां पहुंच गई
और पाकिस्तान अपने बेकार मंसूबों को कामयाब करने में असफल हो गया। दोस्तों, उनकी स्मृति में नौशेरा सेक्टर में एक मेला लगता है और उनकी जन्मभूमि में उनके नाम से एक स्टेडियम बनाया गया है। ऐसे अभूतपूर्व वीरता के लिए उन्हें मरणोपरांत सेना का सर्वोच्च शौर पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। हम सब ऐसे वीर योद्धा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और अंत में मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा जो आरजे कार्तिक कहते हैं, कर दिखाओ कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे आपके जैसा।